एपीएमसी मार्केट गुरुवारी खुले झाले असले तरी ग्राहक शेतकरी आणि किरकोळ व्यापारी यांच्यात गोंधळ उडाला होता. किरकोळ व्यापाऱ्यांनी 8% कमिशन द्यावं असा फतवा राज्य शासनाने काढला असून त्याला विरोध हे किरकोळ व्यापारी करीत आहेत. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर मालाची आवक झाली असली तरी त्याला उठावाच नसल्यानं मोठं नुकसान सहन करावं लागत आहे. याबाबत अनेक किरकोळ व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आज मार्केट में ग्राहक लोग माल नहीं ले रहे हैं. अब देखो जो लोग एसोसिएशन के आदमी जो कुछ करेंगे वही होगा और क्या होगा. हाँ डर रहा है कि हमसे पैसा ज्यादा ले रहे हैं लेकिन लिया नहीं अभी कोई. मार्केट में हुआ था जब कोई कोई ग्राहक से कमीशन लिया जा रहा था तो हम लोग ने कमीशन नहीं देना चाहते हैं कि हम लोग एक दो डाक माल बेचने वाला है इधर कमीशन दे देगा जो हम कमीशन देगा वही हमको कमाने के मिलेगा तो कहाँ से दे पाएंगे. क्या करें कमीशन नहीं दे पाएगा ना. 8% 9% कमीशन किधर से दे पाएगा हम लोग. नहीं आज ये क्या हुआ भी जो सुबह में हुआ था कि सब कोई कोई ग्राहक से लिया गया तो सब लोग डिस्ट्राइक कर दिया गाड़ी का फड़का बंद कर दिया. उसके बाद फिर अभी लेने के लिए फिर यहाँ के मार्केट के जो अध्यक्ष है ना मेन है जो आए बोला अभी सब लोग भाजी लो ले जाके बेचो और उसके बाद शनिवार को मीटिंग होगा उस मीटिंग में जो फैसला होगा उसको डिक्लेयर किया जाएगा. पहले मंत्री महोदय के साथ हमारा मंत्रालय में मीटिंग हो गया जो हमने 2-3 दिन से स्ट्राइक किए थे इसलिए तुरंत मंत्री महोदय ने मीटिंग सब महाराष्ट्र के व्यापारी हाट थे उनके साथ मीटिंग की. उसमें तय किया उन्होंने कि जो आड़ती जो है जो किसानों के बिल्डे में कटती थी वो अभी कल से उसने जारी किया है कि वो आड़ती किसानों के बिल्डे में कटौती नहीं करने का. वो जो आड़ती आपकी जो है व्यापारी की वो ग्राहक से लेने का ऐसा कानून बनाया है लेकिन वो ग्राहकों को वो कानून शासन का मंजूर नहीं है. उन्होंने आज खरीदी पे बहिष्कार डाला है. नवी मुंबई आवाज़ ब्यूरो रिपोर्ट.